छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल के 45 कर्मचारियों को शासन वापस लेने के मूड में नहीं है। पर्यटन मंत्री ताम्रध्वज साहू का कहना है कि ये कर्मचारी मंडल के नहीं बल्कि एक ठेका कंपनी के थे जिनकी ज्वाइनिंग जरूरत पड़ने पर करवाई जाती है। पिछली सरकार में जरूरत से ज्यादा लोगों की भर्ती कर ली गई थी जिन्हें निकाल दिया गया। ऐसे में कंपनी की कार्रवाई गलत नहीं है। इधर कर्मचारियों ने सेवा में वापसी की मांग को लेकर पर्यटन मंडल कार्यालय का घेराव किया है। उनका कहना है कि उनकी उम्र 40 साल से ज्यादा हो चुकी है, लिहाजा उन्हें अब कहीं नौकरी नहीं मिलेगी। आपको बता दें कि निकाले गए कर्मचारी कॉलोनी सर्विस प्लेसमेंट एजेंसी के थे जिन्हें बगैर कारण बताए नौकरी से निकाल दिया गया। प्लेसमेंट के कर्मचारी जिनकी सेवाएं समाप्त की गई है इनको तत्काल वापस लिया जाए और विगत 15 साल में ठेकेदार और सरकार के बीच में जो कमीशन खाया गया, क्योंकि 1 करोड़ रुपया लेते थे और 90 लाख बांटते थे, 10 लाख की कमीशन एजेंसी जो है वो खाती थी। हम 15 साल के कार्यकाल के पर्यटन मंडल में भ्रष्टाचार की जांच चाहते हैं। कोई हमारे वो नियमित कर्मचारी नहीं है और स्वीकृत पद से अधिक अनावश्यक रखे गए थे, तो उनको निकालना कोई गलत काम नहीं हुआ, निकालना भी नहीं कहा जा सकता। प्लेसमेंट एजेंसी से तो लेते हैं, जितना जब ज़रूरत हो ले लो, नहीं है ज़रूरत तो हटा दो, ऐसा रहता है।